हेलो गाइस, तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो एक और नया दिन स्टार्ट चुका है यहाँ से, और आज है संडे। संडे यानी कि कहीं घूमने जाने का दिन। जी हाँ, तो मैं हो चुका हूँ तैयार। हाँ, तो कपड़े वपड़े पहन के मैं हूँ तैयार, और साथ ही कहाँ गया ये भैया भी। तो बहुत आवाज़ करते हैं लोग यार, और दोनों भाई जो है हम जा रहे हैं अभी घूमने के लिए दिल्ली में। तो निकलते हैं कहीं बाहर, देखते हैं कहाँ चलना है भैया। देखते हैं, बस जा रहे हैं कहीं, पहुँच जाए बस कहीं भी। चल ठीक है, देखते हैं। पहुँचने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले काम, खिड़की बंद करो एंड कर्टेन, क्योंकि धूल ना आए। भैया खिड़की बंद कर देना उधर से। चलो जल्दी से निकलते हैं, और अभी जो है सुबह के 9 बजते हैं। अब जैसे रखना है वैसे रखो। हाँ ठीक है, चलो ये या। तो हम निकल चुके हैं घर से, और दोनों के दोनों भाई पहुंच गए मेट्रो में, बस पहुंचने वाले। लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और देख रहे हैं, भटकते हैं जहाँ पहुंच जाए। हमारा तो यही है गाइस, निकल जाना चाहिए घर से। डेस्टिनेशन अपना मालूम हो कि ना हो, जहाँ पहुँच रहा होगा पहुँच ही जाओगे, अपने हाथ में नहीं कहीं पहुँचना। सफ़र का मजा लो, बस सफ़र का मजा लेना है ना। और फुल सेफ्टी के साथ लगा लिया है सनग्लासेस विथ मास्क, एंड पहुँचते हैं मेट्रो। हम लोग जो है पहुँच चुके हैं अक्षरधाम, और हमारे साथ हैं ये देखो जीतू जी एंड भैया, और मैं। तो हम जा रहे वाले हैं अक्षरधाम अंदर। तो फ़ोन तो अलाउ नहीं है यहाँ पे, हमें फ़ोन जो है यहीं रख के जाना पड़ेगा लॉकर में। तो चलो चलते हैं जल्दी से और घूमते हैं। चलिए, तो हम जो है निकल चुके हैं दर्शन करके मंदिर के, और बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम लग चुका है हमें दर्शन करके निकलने में, क्योंकि बहुत सारा टोकन लेना पड़ता है, सारा सामान जो है रख के जाना पड़ता है। और ये रहा एंट्री गेट, और ये रहे हमारे दोनों बंदे। चलो अब जो है यहाँ से हम चलते हैं दूसरे लोकेशन पे। अब यहाँ से कहाँ जाना है? चल रहे हैं बस, कुछ पता नहीं कहाँ जाए, बस कहीं पहुँच ही जाए, भी बहुत जाना है बस। चलिए अभी हम यहाँ जा रहे हैं राजीव चौक, और मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और सारे हम गेट के पास खड़े हैं। भीड़ देखो, मज़ा आ रहा है ना संडे को, इसीलिए घूमने दिल्ली में नहीं निकलना चाहिए जीतू, समझे? दिल्ली में संडे को निकलिए घूमने तो यही हाल होगा। पूरा खड़े होकर जाना पड़ रहा है कोई ना हमारा। यमुना जी, दो तीन स्टेशन है, और ये रही यमुना जी सामने। हम पहुंच चुके हैं कैनॉट प्लेस, और यहां से हमारा प्लान बना है गुरुद्वारा जाने का, बंगला साहिब। तो यहां से बंगला साहिब जाना होगा, लेकिन उससे पहले लोकेशन लगा लो भैया, क्योंकि पता नहीं है हमें, पिछले बार हम जैसे बुलाते भटकते पहुंचे थे, इस बार भी शायद वही ना हो जाए। मैप पे लगा लो ना। और ये है सीपी। क्या हो गया भैया, ओवर कॉन्फिडेंस में है बस। यहाँ से सीधे चलो, इधर से जाना है, रास्ता मालूम नहीं था। अरे खाने का कुछ। अच्छा खाना है, खाने का बात चल रहा है अभी, मुझे लगा कि रास्ता भूल गई है, भूख तो लगी है भाई। तो हम CPS सेंट्रल पार्क में घूम रहे थे, और वहाँ का रिएक्शन बकचोदी और बकचोदी भाई, हम निकल गए, हमसे नहीं देखा जा रहा था छपरी वो भाई। नहीं इतना, मतलब कोई बंदा अगर इसमें आएगा ना, इतना गाली देगा, नॉन स्टॉप गाली देगा कि कहाँ नहीं जा सकता है। क्रिंज क्रिंज कंटेंट जो यही से बनता है भाई, यही से प्रोडक्शन है क्रिंज कंटेंट का। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं अभी बंगला साहिब जाने के लिए। तो हमें ऑटो में हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। तो ये रहा बंगला साहिब, और सबसे पहले हमें शूज खोलना होगा, और फिर मंदिर में अंदर जाना होगा। और यहाँ से आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अलाउ नहीं है, तो बस यहीं तक, और चलो आगे चलते हैं। और ये दोनों
तो हम जो है बंगला साहिब में थे और अभी हम तीनों जो है खा रहे हैं लंगर कढ़ी चावल। और ये रहा हमारा प्लेट तीनों का, कैसा टेस्ट है, कैसा भैया? तो चलो अपना बाइट जो है लेते हैं। भंडारा और लंगर खाना कभी खराब हो ही नहीं सकता है। लंगर खाने के बाद गुरुद्वारे से निकल चुके हैं हम और वापस अब जा रहे हैं हम इंडिया गेट तीनों, और हम हैं ऑटो में। और रात को जो इंडिया गेट अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसलिए जो है नाइट व्यू लेने जा रहे हैं हम, देखते हैं कैसा लग रहा है, देख लीजिएगा आप भी कैसा लगता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है रात में जाके देखना, क्योंकि रात में कैसा लगता है मुझे भी नहीं मालूम, रात में जाए दिन में मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा नहीं, मेरा गया हुआ है देखा हुआ है, मेरा बहुत मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस है, मेरा पहुंच चुके हैं इंडिया गेट और हमारे सामने हैं ये देखो इंडिया गेट। और यहाँ कुछ देर थोड़ा बहुत हम घूमेंगे और यहाँ के बाद हम निकलेंगे अपने फ्लैट। तो भैया ये रहा और चाचा जी हमारे पीछे हैं जीतू लाल कहाँ, हाँ ये देखो। तो चलो चलते हैं और थोड़ा बहुत घूमते हैं और एक आधा फोटो खिंचवाते हैं बस, और फिर यहाँ जल्दी से निकल जाएंगे। इंडिया गेट वाकई में दिन से ज़्यादा बेटर लगता है रात में देखने में, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है सामने, ये देख रहे हो अच्छा व्यू है ना। और थोड़ा बहुत जो है टहलते हैं हम यहाँ, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, ये देखो इतना भीड़। और वैसे भी आज वीकेंड है, हाँ वीकेंड की वजह से कुछ ज़्यादा भीड़ है। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल पास और यहां से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है सामने, देखोगे तो ये देखो ये रोड है और सामने देखो कितना अच्छा लग रहा है यहां से व्यू आ रहा है ना अच्छा। बस रोड के उस पार से कोई आए फोन खींच के ना लेके भाग गया। चलो तो हम जा रहे हैं आगे ना, ट्रैफिक पुलिस चालान काट ही नहीं पाता, फोन वाला कहां से पकड़ लेगा। चलिए जी तो गाइस अभी हम दौड़ रहे थे बस पकड़ने के लिए और सामने बस दिख चली गई। क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, छूट के दौड़ के हाँ पीछे भैया एक और बस आगे चली आएगी, यहाँ स्टॉप पे आई अपने, ये रहेंगे 966, ये जो है हमें छोड़ देगी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे, ये रही बस, ये तो रुकी नहीं, अरे आ जा चलो 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 नहीं तो ये भी निकल जाएगी, चली गई किस्मत खराब, इतने दौड़े हैं हम इतना दौड़े हैं लेकिन दो बस मिस कर दिया हमने। कैसे दौड़ रहा है, अच्छे से दौड़ना, एक और हाँ आ रही है, आ रही है हाँ और चलो वही चल लेंगे, कोई नहीं वहां से भी हम चल जाएंगे, फिर वहां जाएंगे फिर वो चल जाएगी, रहन दीजिए भी हाँ चल चल हो गया, चल नहीं पकड़ाने वाली कंफर्म नहीं पकड़ाने वाली, नहीं भाई रुक जाना आई जल्दी फाइनली हाँ खाली है। बस से लौट के हम आ गए हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन और यहाँ से निकलेंगे अपने फ्लैट। आज पूरे दिन जो है हम घूमे हैं, लगभग 9 बजे के आसपास हम निकले थे घर से, और 11 बजे हाँ मतलब जो भी निकले थे, और मेट्रो भी आ गई है तो जल्दी से ये घर पहुँचा देगी हमें, ये रही मेट्रो। हालत खराब, बैटरी लो हाँ, भीड़ है कोई नहीं आगे भीड़ रहता है, पीछे मिल जाएगा हमें सीट, क्योंकि सुबह से हम जो मेट्रो में जा रहे हैं सिर्फ खड़े खड़े घूमते हैं।
पूरा दिल्ली भ्रमण करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब जाके घर, और 8:30 हो चुके हैं और अब जो है हम भोजन पानी कर रहे हैं, मोमोज लेके आए हैं और साथ में चाउमीन। भैया जीतू जी, तो चलो अब जो है हम निकालते हैं और खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और साथ ही बहुत थक गए हैं सारे लोग, क्योंकि पूरा पैदल जो है हम दिल्ली घूमे हैं और बहुत देर से निकले हुए थे और अंधेरा होने के बाद हम वापस घर पहुँचे। अब हो चुकी है रात और बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही है, क्योंकि पूरे दिन जो है आज थक चुका हूँ मैं और आँख जो है मेरा सबको बहुत नींद आ रहा है और आँख जो है पूरा दर्द दे रहा है, तो चला मैं भी सोने। चलो तो जल्दी से मिलता हूँ आपसे कल एक और नए ब्लॉग में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।